रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फाइव या आपका लेक्चर नंबर 30 है कंस्ट्रक्टिव ग्रामर का। तो इसमें हम कम्प्रीहेंशन और आउटलाइन पैराग्राफ और हमारे लेसन जो है 16-30 वो करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपके पेज नंबर 144 पे है कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ फायर फाइटर, ठीक है। ये आपके सामने गिवन है और इसके क्वेश्चन आंसर्स या आंसर द क्वेश्चन जो हैं ये गिवन है आपके सामने MCQs में। और यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ है वो है वाटर, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके सामने शो हो रहे हैं, तो ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। और ये आपने इसको राइट करना है अपने नोट्स पर। पैराग्राफ को अच्छे से रीड कीजिएगा, उसी में से आंसर है। और जो सेकंड पैराग्राफ है वाटर, और ये उसके आंसर्स हैं वाटर के, आपने पैराग्राफ को रीड करना है उसी में से ही, पैराग्राफ में से ही ये इसके आंसर्स हैं। और ये मैं जैसे यह फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर बॉडी वेट मे बी वाटर, 40-90%। हाउ डज वाटर हेल्प योर बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन, वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन। और जो आउटलाइन पैराग्राफ है वो आपके सेकेंड टर्म के सिलेबस प्लानर में गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ हिस्ट्री ऑफ द मशीन, ये पैराग्राफ आपने अच्छे से रीड करना है। और इसके क्वेश्चंस जो है वो गिवन है यहाँ लास्ट में, तो आपने क्या करना है, रीड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके आंसर्स इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे लेसन है लेसन नंबर 16, तो ये आपके पेज नंबर 44 पे है। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है द यूज़ ऑफ व्हाट एंड वेयर, व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग और अ पर्सन, वेयर इज़ यूज टू आस्क अबाउट द लोकेशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है। व्हाट जो है वो किसी फर्द या चीज़ के बारे में सवाल जब आप करते हैं तो वो उस लिए, इसके लिए यूज़ होता है। और कहाँ जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि किसी भी लोकेशन के बारे में और में सवाल करने के लिए कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ हिज नेम, वेयर आर यू लिविंग, ठीक है। और लेसन नंबर 17 है हमारे पास यूज़ ऑफ व्हेन, व्हिच, हाउ, हु, व्हाई, हुज, ठीक है। व्हेन कब का इस्तेमाल वक्त के लिए किया जाता है, हाउ कैसे या कैसा या कैसी के मायनों में इस्तेमाल होता है, हु कौन का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों के लिए होता है, व्हाई क्यों सबके साथ सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन व्हिच जो है इसका मीनिंग है कौन सा का इस्तेमाल सिर्फ हैवानों बेजान चीज़ों की पहचान के लिए किया जाता है, हुज किसका या किसकी इसका मीनिंग है, ये मलकियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है द टेंसेस, ठीक है। पास्ट टेंसेस के बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर है इसी पास्ट टेंस के बेस पे है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट टेंस के बारे में आप जान सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के बारे में करेंगे। प्रेजेंट टेंस जो है फेल हाल की चार एग्जाम होती हैं, और ये जो फेल हाल है इसमें एस और ई एस का इजाफा किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, और इनके जो फिकरात हैं उनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, आते हैं, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इट, शी, ही और पर्सनल और थर्ड पर्सनल सिंगुलर नाउन वाले फिक्रों में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, बाकी फिक्रों में सिर्फ पहली फॉर्म लगाते हैं। ऐसे फिक्रात को मनफी बनाने के लिए डज नॉट और डू लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल है आपके पिछले पेज पे एग्जांपल है मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, यहाँ पे ता है यूज़ हो रहा है, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, एस और ई एस का इजाफा किया हुआ है। लड़के खेल रहे हैं, द बॉयज़ आर प्लेइंग, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन द मील। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ हो रहा है, जैसे रहा है, रहे हैं, ठीक है, द बॉयज़ आर प्लेइंग, अगर रहा है, रहे हैं आएगा तो इज एम आर के इजाफा करेंगे और साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो है इसके लास्ट में, इन सब के आखिर में गा, गे, गी इस्तेमाल हुआ है, ऐसे फिगरात फेल मुस्तकबिल कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी चार किस्म होती हैं, गा, गे, गी वाले फिकरात को विल या शैल के साथ फेल वर्ब की पहली फॉर्म लगा कर तब्दील करते हैं। मनफी फिकरात में विल या शैल के बाद बी से पहले नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। सवाली फिकरात में विल या शैल फिक्र के शुरू में लाकर आखिर में सवाल निशान लगाते हैं। इस टेंस को इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आबिद घर जाएगा, आबिद घर जाएगा, आबिदा घर जाएगी, आबिदा विल गो होम, ठीक है। सूरज निकल रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग, विल के साथ बी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है रहा होगा, विल बी राइजिंग और आईएनजी फॉर्म यूज़ हो रही है।
और आपने इन फीचर्स इन टेंसेस की को मद्देनजर रख के इनके रूल्स को आपने ये जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दी हुई है, ये जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें से आपने नोट्स को फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 19, नाउन द नेम ऑफ थिंग्स पीपल एनिमल बर्ड एंड प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन। किसी भी फर्द जानदार चीज़ या जगह का नाम जाहिर कर जो जाहिर किया जाता है लफ्ज़ उसे नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लेस का नाम है लाहौर, कराची, पीपल है अली आलिया और थिंग बुक पेन साइकिल, एनिमल बर्ड्स में टाइगर डॉग। और नेक्स्ट लेसन है हमारे पास 20 काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन आ जाएगा। प्रॉपर नाउन हमारे पास इसम मार्फा के तौर पर होता है। इस प्रॉपर नाउन में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस या किसी भी खास चीज़ जगह का नाम जो होगा वो हमारे पास पर्टिकुलर नाउन कहलाएगा। और कॉमन नाउन वो होगा जैसे कोई भी कॉमन पर्सन प्लेस या थिंग का नाम, वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाएगा, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी। और प्रॉपर नाउन में क्या होगा, जैसे सिटी में हम उसमें स्पेशल नेम यूज़ करें, पर्टिकुलर नेम यूज़ करें, जैसे लाहौर हो गया और इस तरह से, ठीक है, मुल्तान हो गया, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होंगे। इस तरह से ये आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उसमें आपने नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को मद्देनजर रखते हुए आपने इसमें सॉल्व करना है। प्रोनाउन अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन वी यूज ही, हिज, शी, हर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन वी यूज दे, देयर, देम, वी और अस, ठीक है। वो लफ्ज़ है इसम ज़मीर जो इसम या फर्द की जगह इस्तेमाल करते हैं, इसम ज़मीर कहते हैं। जैसे शी वो और ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यू तो तुम आप, वी हम, हिज, हर, इस तरह से, ठीक है। लेसन नंबर 22 है वर्ब। अ वर्ब इज डूइंग वर्ड और एन एक्शन वर्ड। नो सेंटेंस इज कम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई गो, ही केम। ऐसे लफ्ज़ जिनसे काम का करना या होना वक्त या ज़माने में जाहिर हो उसे फेल वर्ब कहते हैं, जैसे गो या ईट, ठीक है। टीपू इज कमिंग, टीपू आ रहा है। और लेसन नंबर 23 है पेज नंबर 72 पे वर्ब्स विद आई एन जी। कैरिंग ले जा रहा है, द पीपल इज कैरिंग द बैग, क्लैपिंग, द स्टूडेंट आर क्लैपिंग। इसमें वर्ब्स के साथ आई एन जी लगाकर उसका मीनिंग जो है ले जाना, वैसे कैरी का मतलब है जैसे उठाना या ले जाना, तो इसमें यहाँ कैरिंग ले जा रहा है, क्लैपिंग क्लैप ताली बजाना, क्लैपिंग ताली बजा रहा है, आई एन जी का मतलब है रहा है, रही है, जहाँ यूज़ होता है, ठीक है, उसमें आई एन जी फॉर्म आ जाती है। ये वर्ब्स आपके सामने गिवन है जिसमें आई एन जी की फॉर्म यूज़ करके इनमें इनके फ़र्क को वाजह किया हुआ है। और लेसन नंबर 24 है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके सामने गिवन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जैसे अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, आस्क, 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 ठीक है। ये आपके पास पेज नंबर 74 और 75 पे गिवन है, तो यहाँ से आपने इसे देखकर फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद करनी है। पेज नंबर 76 और 77 तक ये यहाँ तक है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स वगैरह जो है आपने इसकी याद करनी। अब हमारे पास लेसन नंबर 25 है एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे अल्फाज इसम चीज़ या फर्द या जगह की अच्छाई या बुराई की कैफियत को जाहिर करें या वजाहत करने के लिए इस्तेमाल हों तो इन्हें हम इसम सिर्फ या एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज़ अ रेड बर्ड, तो यहाँ पे ये इसका रेड जो है ये इसमें शो कर रहा है इसका एडजेक्टिव के इसको इसकी खूबी बयान की जा रही है कि ये रेड कलर का है। और इस तरह से हमारे पास लेसन नंबर 26 है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की बात हो रही है। इसम सिफ्त के तीन दर्जे होते हैं एडजेक्टिव के, थ्री टाइप्स होती हैं जो एक दूसरे से मुआवजे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में इन्हें डिग्री का कहते हैं, पहले दर्जे से दूसरा दर्जा बनाने के लिए ER लगाते हैं, जैसे जबकि तीसरे दर्जे में आमतौर पर ES लगाते हैं। बाज़ हालात में दूसरे दर्जे में मोर और तीसरे दर्जे में मोस्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री है क्लीन और फिर सेकेंड क्लीनर और फिर थर्ड में क्लीनेस्ट, ठीक है। इस तरह से ये यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ ही इज़ अ गुड बॉय फर्स्ट है, सेकंड ही इज़ अ बेटर देन मी, थर्ड ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। इस ऑफ एडजेक्टिव के लिए आपके पास पेज नंबर 86-87 जो है ये गिवन है। इसमें एडजेक्टिव और गिवन फर्क जो है वाजह है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, ठीक है। ये आप देख कर इसे अच्छे से याद करें। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन। प्रपोजिशन द वर्ड विच इज प्लेस बिफोर नाउन और अपर नाउन एंड शोज रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रपोजिशन। ये लफ्ज़ इसम या इसम ज़मीर के साथ लगते हैं और जुमले में दूसरे लफ्ज़ इनकी हालात और इस ताल्लुक को जाहिर करते हैं, जैसा कि आपके सामने गिवन है एक्सरसाइज, ये आपने इसे देखना है। अब हमारे पास एक्सरसाइज है लेसन नंबर 28 है सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा के तौर पे यूज़ होते हैं। अगर जो सिंगल होगा वर्ड वो हमारे पास सिंगुलर होगा और जो जमा के फॉर्म में होगा वो हमारे पास प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे ये एक्सरसाइज ये पेज आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो नोट्स आपको दिए जाएंगे आपने इसमें से ये करने हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल लिखने हैं आपने। अब हमारे पास लेसन नंबर 29 है द नाउन विच शोज द नेम ऑफ अ मेल पर्सन
और द नाउन विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ फीमेल पर्सन. ठीक है, जो मेल पर्सन का नेम को इंडिकेट करेगा वो हमारे पास मैस्कुलाइन होगा, और जो फीमेल पर्सन या चीज़ को या एनिमल को इंडिकेट करेगा वो हमारे पास फेमिनाइन होगा, यानी कि मुज़क्कर मोनस में. तो ये मुज़क्कर मोनस के लिए जो आपको पेज दिया जाएगा, मैस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए, ये आपके सामने गिवन है, इसे आपने देख कर लिखना है कॉपी पर और याद करना है, ठीक है, नोट्स पर. अब हमारे पास ये 30 लेसन नंबर 30 है, वर्ड्स एंड देयर ऑपोजिट. वर्ड्स ऑपोजिट हैं यानी कि अल्फाज मुतजाद. तो ये इसके लिए जो आपको पेज नोट्स में गिवन है, ये आपके सामने गिवन है, अबव बिलो बैड गुड, ठीक है, ये उसके ऑपोजिट हैं, मुतजाद हैं. जैसे क्लीन, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डर्टी. ये आपके सामने गिवन है, उसे आपने लिखना है अपने नोट्स पर. और आज के लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.